बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरती नूर, आप देख रहे हैं ऑल रिपेयर डीआईवाई। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, हमने इधर जो है 6 किलोवाट का इधर सिस्टम इंस्टॉल किया है, किस तरह से इंस्टॉल किया है, कितने पैनल्स लगे हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से दिखाएँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 6 पैनल जो है हमने लगाए हैं 545 वाट के जे सोलर के डबल ग्लास बाय ऑफिशियल 6 पैनल हैं और 6 किलोवाट का इधर हमने सिस्टम लगाया है। देख सकते हैं आप L2 स्ट्रक्चर पे, L2 स्टैंड पर ये सारी इंस्टॉल किए हैं और तकरीबन 70 ही जो है सनलाइट आ रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, क्योंकि हमने कुछ इसकी जो तरतीब है इस तरह से बनाई है कि मैक्सिमम टाइम जो है इस पर सनलाइट आए। तो पीछे वाले भी लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये 12 पैनल्स हैं पूरे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे ये लगाए गए हैं, 12 पैनल्स 545 वाट के जे सोलर बायोफिशियल डबल ग्लास L2 स्ट्रक्चर पर लगाए गए हैं। और इन 12 पैनल्स के अब आपने कनेक्शन कैसे करने हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ये मैं बता देता हूँ। आपने इसको जो है 180 डिग्री साउथ पर जो है इधर लगाना है। आप लोग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट ये लगे हुए हैं, 180 डिग्री साउथ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी देंगे। तो इसके कनेक्शन अब आपने कैसे करने हैं, तो कनेक्शन आपने इन सभी 12 पैनल्स के सीरीज़ में करने हैं, जो कि हमें जो है तकरीबन 600 वोल्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे इन्वर्टर 600 वोल्ट तक जो है सपोर्ट करता है, 650 वोल्ट तक। तो हमने इसके जो है 600 वोल्ट बनाए हैं और 600 वोल्ट जो है डीपी में होकर जो है इन्वर्टर को मिल जाएंगे। और इसकी तरतीब ऐसे बनाई है कि मैक्सिमम इस पर सनलाइट आए और मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो मिले। तो देख सकते हैं आप लोग कितने ही अच्छे तरीके से लगाए हैं। अभी जो है तकरीबन 4 बजे का टाइम है और अभी भी धूप इन पर मैक्सिमम पैनल्स पर मैक्सिमम जो है सनलाइट आ रही है। तो अभी मैं इन्वर्टर आपको दिखा देता हूं। दोस्तों इधर हमने फ्रोनस का रेजर 8.2 किलोवाट का मॉडल इधर इंस्टॉल किया है, जो कि हमें 6.2 किलोवाट आउटपुट इधर प्रोवाइड करता है, जिसके साथ हम 545 वाट के मैक्सिमम 15 पैनल्स इधर लगा सकते हैं। इसमें जो है डबल स्ट्रिंग है, डबल MPPT कंट्रोलर लगा है, आप इसमें 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो हमने इधर 12 पैनल्स इंस्टॉल किए हैं, आप इसमें 15 पैनल मैक्सिमम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। 7 और 8 के आप स्ट्रिंग बनाकर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोग इधर से देख भी सकते हैं कितनी पावर जनरेशन इधर से हो रही है, बैटरी कितने वोल्टेज दे रही है। इधर से 527 वोल्ट इस वक्त 4 बजे हमें इधर से पैनल से मिल रहे हैं। और अभी हमारा ये जो लोड भी आप चेक कर सकते हैं कितना दे रहा है, अच्छे से ये चल रहा है। और ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मॉडल है फ्रोनस का, रेजर मॉडल, रेजर 8.2 PV है, 8200 PV ये जो है सपोर्ट करता है और 6.2 जो है ये आपको आउटपुट दे देता है डबल MPPT कंट्रोलर के साथ। तो दोस्तों इस जो इन्वर्टर इस मॉडल में, फ्रोनस रेजर मॉडल में डबल MPPT कंट्रोलर आता है और डबल MPPT कंट्रोलर के साथ डबल इसमें आउटपुट है, एक इसमें मेन लोड आउटपुट है और एक इसमें स्मार्ट लोड आउटपुट है। तो मेन लोड पर आप इस पे जो है अपना हैवी लोड जो है उस पे डाल सकते हैं, और स्मार्ट लोड पे आप जितना भी आपका स्मार्ट लोड टीवी, फ्रिज और पंखे वगैरह हैं वो आप डाल सकते हैं, जो कि आपका बैकअप के तौर पे इस्तेमाल होगा। अभी आप देख सकते हैं इधर जो है हमारा कंट्रोल बॉक्स है, डीपी है, इसमें हमने 2 अदद जो है चेंज ओवर ब्रेकर लगाए हैं, एक डीसी ब्रेकर लगाया है, एक एसी ब्रेकर और एक वोल्टेज और करंट प्रोटेक्टर लगाया है। इधर से आप लोग देख सकते हैं हमारी ये स्ट्रिंग जो ऊपर से आ रही है, इसमें MC4 कनेक्टर लगे हैं। अब आपको इसका एक्सपेंस बता देते हैं कितना है। इसका एक्सपेंस जो है 6 लाख रुपए आया है, क्योंकि इनके पास बैटरीज पहले से मौजूद थी। दोस्तों बैटरी की बात कर लेते हैं, तो इसके साथ हमने 180 की 4 बैटरीज इंस्टॉल की हैं, और किस तरह हमने इंस्टॉल की हैं ये मैं आपको बता देता हूं। आपने 4 बैटरीज इसके साथ सीरीज़ कनेक्शन में इंस्टॉल करनी है। आप देख सकते हैं इधर सीरीज़ में हमने इंस्टॉल की हैं, जो कि कस्टमर के पास पहले से मौजूद थी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में क्वेश्चन लिख दें, मैं ज़रूर जवाब दूँगा।